वोटिंग प्रतिशत में आई कमी को लेकर कांग्रेस कॉन्फिडेंस में आ गई है। दूसरे चरण में रीवा में सबसे कम वोटिंग हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा और कहा कि अमित शाह के मुताबिक अब तो रीवा से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को हटाया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता कुणाल चौधरी ने कहा कि अमित शाह ने वोट परसेंट कम होने पर उस क्षेत्र का मंत्री बदलने की बात कही थी। रीवा में इस बार 49% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार 60% था। कुणाल चौधरी ने कहा कि इस हिसाब से सबसे पहले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को हटा देना चाहिए। इसके अलावा भी कई मंत्री हैं जिनके क्षेत्र में कम वोट पड़े हैं। ऐसे में अमित शाह को अपनी बात पर अटल रहते हुए इन सभी को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। अब कल अमित शाह जी का बयान देख रहा था कि भैया जिस जिस के यहां पे वो परसेंटेज कम होगा उस उसके यहां पे मंत्री को बदल देंगे। तो मैं तो टेंशन में आ गया कि मध्य प्रदेश में होगा क्या। मैंने मंत्रियों का हिसाब लगाया तो पहली दुकान तो राजेंद्र शुक्ला जी की, कब हटा दोगे। कल रीवा के अंदर वोटिंग हुई, लगभग रीवा में हुई 49% जो पिछली बार थी 60%। तो अमित शाह जी को चुनौती है, अगर आपने ये वचन बात करी है तो कल के कल राजेंद्र शुक्ला जी को हटा दो, कल के कल प्रहलाद पटेल जी को हटा दो, राकेश सिंह को हटा दो, उदय प्रताप जी को हटा दो, यहां पे संपतिया उइके जी को हटा दो, यहां पे कौन कौन, धर्मेंद्र लोधी जी को, दिलीप जायसवाल जी को, लखन पटेल जी को, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को, प्रतिमा बागरी जी को, दिलीप अहिरवार और श्रीमती राधा से, इतने मंत्रियों की तो लिस्ट आ चुकी है कि इनके यहां वोटिंग खत्म हुई। तो बताओ ना, हिसाब दो कि अगर आप इतने बड़े 30 बार खा पार्टी के 30 बार खा नेता हो तो आज के आज आपने बात करी तो आगे के लोग सबक लेंगे कि कब हटा रहे और कब क्या कर। कुणाल चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अमित शाह हम लोगों को निर्देश देते रहे हैं और काम में जब कमजोरी आती है उसमें जो आवश्यक कार्रवाई होती है पार्टी वो करती है। माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा है, हम लोगों को क्या निर्देश देते हैं, वो काम को और बेहतर करने के लिए देते हैं। उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम में कमजोरी जब आती है तो पार्टी उसमें जो आवश्यक कार्रवाई होती है, लेकिन वो कुणाल चौधरी जैसे नेताओं को थोड़ी मालूम पड़ेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।